नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। ओडिशा के माननीय राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल का राउरकेला परिदर्शन। राउरकेला स्टील प्लांट के सीईओ श्री दीपक चटराज ने कहा, मनोभाव के मूल्य का आकलन करें और लागत में कमी की संस्कृति को सुदृढ़ करें। और ओएचएससी में मलेरिया और डेंगू पर स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। अब समाचार विस्तार से। माननीय राज्यपाल महामहिम प्रोफेसर गणेशी लाल ने 15 और 16 अक्टूबर 2019 को राउरकेला का परिदर्शन किया। राज्यपाल के प्रमुख सचिव श्री मधुसूदन पाढ़ी पूरे दौरे भर माननीय प्रोफेसर गणेशी लाल के साथ रहे। यात्रा के दौरान राज्यपाल ने कई आधिकारिक समारोह एवं कार्यों में भाग लिया। 16 तारीख अपराह माननीय राज्यपाल राउरकेला से रवाना हुए। उन्हें छोड़ने राउरकेला हवाई अड्डे पर उपस्थित थे सुंदरगढ़ के सांसद और संसदीय रक्षा समिति के अध्यक्ष श्री जुएल ओराम, आरएसपी के सीईओ श्री दीपक चट्टराज, सुंदरगढ़ जिला के मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर श्री निखिल पवन कल्याण, डीआईजी पश्चिमी रेंज, आईपीएस सुश्री कविता जालान, एसपी राउरकेला श्री के शिवा सुब्रमणि, उप जिलाधिकारी पानपोष श्री विश्वजीत महापात्र और आरएसपी राज्य सरकार एवं सीआईएसएफ के अन्य वरिष्ठ अधिकारी। राउरकेला स्टील प्लांट के सीईओ श्री दीपक चटराज ने मिशन 3500 कास्ट रिडक्शन वर्कशॉप पहल की शुरुआत करते हुए प्लांट कर्मी समूह से कहा, आइए मनोभाव के मूल्य का आकलन करें और लागत में कमी की संस्कृति को मजबूत करें। गोपबंधु ऑडिटोरियम में 16 अक्टूबर को आयोजित कार्यक्रम में कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री राजवीर सिंह, कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री गौतम बनर्जी, मुख्य महाप्रबंधक और कई विभागाध्यक्ष और प्लांट के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि मिशन 3500 की पहल का उद्देश्य उत्पादन की लागत को 3500 रुपये प्रति टन सेलेबल स्टील कम करना है। सेल के निगमित कार्यालय और MTI रांची की एक पहल के तहत राउरकेला स्टील प्लांट में इस श्रृंखला का पहला कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सेल के अन्य एकीकृत इस्पात संयंत्रों में इसी तरह के कार्यक्रम बाद में आयोजित किए जाएंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में ऑपरेशन के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों के साथ साथ प्लांट की कमियों के बारे में विस्तार से बताते हुए श्री चट्टराज ने एक कुशल लेखा प्रणाली को लागू करने पर जोर दिया, ताकि सभी कार्यों के लागत निहितार्थ हो सके एवं सभी इसे समझ सके। सीईओ ने श्रम शक्ति के इष्टतम उपयोग, मिलों में पैदावार में सुधार, घरेलू तौर पर बिजली उत्पादन बढ़ाने, सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने, प्रक्रिया मापदंडों की बेंचमार्किंग और कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी जोर दिया। समय के महत्व को रेखांकित करते हुए सीईओ ने कहा कि समय कीमती है और सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए विवेकपूर्ण तरीके उपयोग किए जाने चाहिए। प्रारंभ में मुख्य प्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री प्रवीण निगम ने सभा का स्वागत किया। महाप्रबंधक MTI रांची श्री एस के मल्लिक ने कार्यशाला के उद्देश्य और रूपरेखा के बारे में बताया। मुख्य महाप्रबंधक वित्त निगमित कार्यालय नई दिल्ली डॉक्टर अशोक पंडा ने कंपनी के वित्तीय परिदृश्य पर एक प्रस्तुतिकरण किया। उप प्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री हरीश अग्रवाल ने उद्घाटन कार्यक्रम का संचालन किया। इस पहल के तहत विभिन्न इकाइयों के अधिकारियों को टीमों में बांटा गया है। टीमें तकनीकी लेगों पर ध्यान केंद्रित करके रणनीति तैयार करेंगी, ताकि तकनीकी आर्थिक पैरामीटर में सुधार किया जा सके और अंततः लागत में कमी के समग्र लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। OHSC में 15 अक्टूबर को सतर्कता के रूप में मानसून की तैयारी के लिए मलेरिया और डेंगू पर एक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
इस कार्यक्रम में आरएसपी के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने भाग लिया। नगर इंजीनियरिंग विभाग के पब्लिक हेल्थ की वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर श्रीमती दीपा लवंगरे ने सत्र का संचालन किया। मच्छरों के प्रजनन के तरीके और घर एवं टाउनशिप में स्वास्थ्यकर परिवेश बनाए रखने के संबंध में निवारक उपायों, फूलों को गमलों, डेजर्ट कूलर, अप्रयुक्त टायरों की समय पर सफाई आदि जैसे विषयों पर प्रस्तुतिकरण के माध्यम से समझाया। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने पर भी प्रकाश डाला गया और चर्चा की गई। प्रतिभागियों को इसके नुकसान और जूट या सूती बैग जैसे विकल्पों का उपयोग करने की आवश्यकता के बारे में अवगत कराया गया। प्रारंभ में ओएचएससी के वरिष्ठ उपनिदेशक डॉक्टर तरुणादित्य मिश्र ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और समय समय पर केंद्र में आयोजित किए जाने वाले जागरूकता कार्यक्रमों पर विशेष जोर देते हुए ओएचएससी की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। ओएचएससी के वरिष्ठ वृत्तिगत स्वास्थ्य तकनीशियन श्री के सी प्रधान ने कार्यक्रम का संचालन किया। और इसी के साथ हम आज के हिंदी समाचार को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।